और आखिरकार अफगानिस्तान ने तीसरी टी20 में जोरदार वापसी की है। जी हाँ, 2-0 से पहले दोनों मैचेस में आयरलैंड की जीत के बाद अफगानिस्तान के लिए आज ये कहीं ना कहीं डू और डाई गेम था, और उसमें जबरदस्त वापसी टीम ने करते हुए इस मैच को शानदार तरीके से जीत कर सीरीज को अभी भी बरकरार रखा है। लेकिन मैच में आखिर क्या कुछ घटा है, सारी एनालिसिस और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले यहाँ पर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की आज, और कहीं ना कहीं जिस चीज की लगातार कमी खल रही थी शुरू के दो मैचों में, आज वो बैट्समैन ने अफगानिस्तान की प्रोड्यूस कर दिया। पहले शुरू के 10 ओवर की बात करते हैं। बिल्कुल, शुरू के 10 ओवर की बात करें तो यहाँ पर बेहतरीन सी एक पार्टनरशिप देखने को मिली आज आखिरकार अफगानिस्तान के बैट्समैन की तरफ से, ओपनर्स की तरफ से। हजरतुल्ला सजई और रहमानुल्लाह गुरबाज दोनों ने बहुत शानदार हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप की और 10 ओवर में 83 रन उन्होंने बना डाले, इस बीच 8 रन की इकोनॉमी के साथ। बेहद ही शानदार, और थोड़ा स्टडी भी खेले हैं, स्लो नहीं कहेंगे पर स्टडी ज़रूर है, थोड़ा सा इनिंग को लेके चले। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 50 मारी इसी बीच, और उसके बाद जो बाद के 10 ओवर की बात करेंगे, पर फिलहाल 10 ओवर में इन दोनों की पार्टनरशिप ने पूरा समा बांध के रखा अफगानिस्तान के लिए। 83 पर 0 थे 10 ओवर के बाद। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस शुरू के 10 ओवर में थी वो थी कि अफगानिस्तान ने विकेट सबसे बचा के रखे, जो शुरू के दो मैचेस में बिल्कुल भी कहीं ना कहीं विकेट एट द एंड बच नहीं रहे थे, वो शॉट्स निकल नहीं रहे थे। तो सेकेंड हाफ में इसको, इस विकेट्स को जो बचा के रखा था, इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया। और सेकेंड 10 ओवर में अफगानिस्तान ने कितने स्कोर किया, ओवरऑल अफगानिस्तान का टोटल क्या रहा एट द एंड, आइए बताएं। बिल्कुल, और बाद के 10 ओवर की बात करें यानी कि 11 से 20 ओवर के बीच, यहाँ विकेट भी जरूर गिरे हैं पर रन जरूर बने हैं। जी हाँ, आयरलैंड के बॉलर्स ने इतना अप टू द मार्क परफॉर्म किया नहीं इस मैच की बात करें, पर अफगानिस्तान के बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेला है, थोड़ा फेयरलेस क्रिकेट जरूर खेला है। यहाँ पर इब्राहिम जादरान ने 36 बनाए हैं, आपके नजीबुल्ला जादरान 42 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, और वहीं पर साथ में रहमानुल्लाह गुरबाज ने और हजरतुल्ला सजई ने भी थोड़ा सा अपने स्कोर को आगे बढ़ाया, पर वो 7 छोड़ते हुए चले गए इसी 11 से 20 ओवर के बीच में। विकेट जरूर गिरे, 106 रन बने और 5 विकेट इस 11 से 20 ओवर के अंतराल में गिरे हैं अफगानिस्तान के, और इसके साथ 179 रन यानी कि 189 रन 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के बाद अफगानिस्तान पहुंच पाए। बिल्कुल, और इसमें भी कहीं ना कहीं लास्ट के 2 ओवरों में 31 रन बनाए अफगानिस्तान ने, जो कहीं ना कहीं बहुत प्लस साबित हुआ। जब एट द एंड रिजल्ट आया तो समझ में आया कि वो जो लास्ट के 2 ओवर में 31 रन की हिटिंग की थी जादरान ने, वो कहीं ना कहीं टीम को बहुत हेल्पफुल नजर आई है। 190 चेस करने थे आयरलैंड को, बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इस बार अफगानिस्तान ने एक बहुत प्रॉपर और बेटर टोटल आयरलैंड के सामने रखा था। आयरलैंड के बॉलर्स को किस तरह से देखते हैं आप, 189 जो अफगानिस्तान टैकल में सक्सेसफुल रहा बोर्ड। बिल्कुल, और अफगानिस्तान के बैट्समैन ने बहुत अच्छा टैकल किया है, मानना होगा बॉलर्स को, जो दो मैचों में देखने में नहीं मिल रहा था, और स्कोर करने की कोशिश की, रन बनाने की कोशिश की, थोड़ा सा बाउंड्रीज लगाने की कोशिश की, और उसमें कामयाब रहे हैं अफगानिस्तान के बैट्समैन। जोशुआ लिटिल इकलौते लोन बॉलर रहे हैं जो अच्छे गए हैं, 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट उन्होंने निकाले हैं। बाकी मार्क एडेयर हो, आपके ग्रैग ह्यूम हो, फियोन हैन हो, डेब्यूटेंट, दोनों परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं हुआ जितना उम्मीद था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 190 चेस करना आसान नहीं था। आयरलैंड उतरा अपने जो उनके प्लेयर्स हैं टॉप ओपनर्स उनके साथ, और डेफिनेटली कहना होगा शुरू के 10 ओवर की अगर हम बात करें इस चेस में, तो वहीं पर आयरलैंड की पूरी जो हार की वजह रही है वो उसी 10 ओवर में रही है। वो शुरू के 10 ओवर, डेफिनेटली बाद के 10 ओवर को बयान नहीं करते, लेकिन शुरू के 10 ओवर बहुत ही टेरेबल रहे हैं आयरलैंड के लिए। बिल्कुल, और शुरू के 10 ओवर में ही बुरी तरीके से आयरलैंड पिछड़ गया इस चेस में, 67 पे 6 यानी कि 66 पे 6 विकेट यहाँ पर गिर गए आपके आयरलैंड के, और बहुत बुरी तरीके से यहाँ पीछे रहे। स्टर्लिंग 0 पे आउट हुए, बैरबर्नी 1 रन पे आउट हुए, हैरी टैक्टर भी सिंगल डिजिट में आउट हुए, किसी का भी स्कोर, कर्टिस कैम्फर भी इस बीच चलते बने, किसी ने भी कोई स्कोर किया नहीं, और स्टार्टिंग में ही विकेट आपके नवीनुलहक नबी और मुजीबुर रहमान ने बिल्कुल शुरू में ही ढा दिया आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप को, 66 for 6 10 ओवर में ये स्कोर था आयरलैंड। बिल्कुल, और इसमें भी कहीं ना कहीं 66 जो पहुंचे हैं वो टकर की हेल्प से पहुंचे हैं, जिन्होंने 31 रन शानदार मारे हैं, उसी की बदौलत कहीं ना कहीं 66 तक ये टीम पहुंची, वरना 10 ओवर में इससे ही बुरा हाल हो सकता था। लेकिन फिर भी अभी भी 4 विकेट बचे थे, और टी20 क्रिकेट एक अलग क्रिकेट है ये हम सब जानते हैं। लास्ट के 10 ओवरों में सेकंड फेज था 10 ओवर में आया, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि आयरलैंड टीम जो एक वक्त पर 85 पे 7 थी वो सिर्फ 22 रन से बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत उलटफेर देखने को मिला कि 11 से 20 ओवर में जो हुआ है
पार्टनरशिप खासकर आपकी 8वें विकेट के लिए जो हुई फियोन हैंड और डॉकरेल के बीच में 70 ओवर की पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप में थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर जगाई थी, पर जो 10 ओवर में हमने पहले देखा जो इतना ज्यादा पीछे आया रैंक रह गया बिल्कुल सही, उसे करना नामुमकिन सा लगा। लास्ट में जाते जाते 17-18-19 का रिक्वायर्ड रन रेट चला गया था तो उसे करना मुश्किल था, पर 101 रन बनाने में जरूर कामयाब रहे आयरलैंड के बैट्समैन। पर ये मैच था आपको जीतना था लेकिन वो कर नहीं पाए। डॉकरेल 58 पे नॉट आउट रहे, फियोन हैंड 36 जरूर कंट्रीब्यूट किया, डेब्यूटेंट है, एक बैटिंग से जरूर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और ये रहा 167 for 9 आफ्टर 20 ओवर, बहुत ज्यादा अंतर से आयरलैंड रह गया। बिल्कुल, तो 22 रन कहीं ना कहीं रह गए, और कहना होगा आप दोनों ही फेस में अगर देखेंगे आयरलैंड, अफगानिस्तान ने पहले अपने 10 ओवर में 83 मारे थे, सेकंड अपने 10 ओवर में 106 मारे थे, वो तो उसी के जवाब में आप कंपैरिजन देखेंगे तो आयरलैंड ने शुरू किया अपने 10 ओवर में 66 मारे और सेकंड अपने हाफ में 101 मारे, यानी दोनों ही हाफ की अगर आप बात करें तो दोनों ही हाफ में जो बढ़त बना के चली है वो अफगानिस्तान ने, और एट द एंड वो बढ़त 22 रन की साबित हुई। तो इससे आप समझ गए होंगे कि लास्ट के दो ओवर में जो 31 रन के बैट्समैन ने मारे थे आयरलैंड के बॉलर्स पे वो कितने क्रूशियल यहां पर रहे हैं। 2-1 से सीरीज को अभी तक संभालने में कामयाब रही है अफगानिस्तान, अभी भी सीरीज ऑन है, चौथे मैच की तरफ बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के बॉलर्स को किस तरह से देखते हैं आप, स्कोर आज बड़ा जरूर था लेकिन फिर भी बॉलिंग तो अच्छी करानी थी। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से बॉलिंग नहीं है इस पिच पर जहां पर 161 बैटिंग विकेट है, ये यहां पर काफी अच्छी बॉलिंग आयरलैंड अफगानिस्तान के बॉलर्स कराई है, स्पिनर्स उनके इफेक्टिव रहते ही है, पर पेसर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, नवीन उल हक 3 विकेट लिए हैं, फैजल फारूकी ने भी 2 विकेट लिए हैं, मुजीब ने भी यहां पर 2 विकेट निकाले हैं, और राशिद खान को विकेट ना मिलना ये एक टीम के लिए कंसर्न जरूर है, उनको विकेट निकालने होंगे, तलाशने होंगे विकेट, बड़े बॉलर हैं और जरूर है कि, लेकिन आयरलैंड की तारीफ करनी होगी कि उन्हें टैकल अच्छा कर पा रहे हैं आयरलैंड के बॉलर्स, बाकी पूरा फुल परफॉर्म रहा है अफगानिस्तान की तरफ से और काफी बड़े अंतर से आयरलैंड को हराया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब 2 मैच बचे हैं, देखना होगा सीरीज आखिर किस तरफ करवट बैठती है, कि अगले मैच को जीतकर आयरलैंड सीरीज जीत जाता है या फिर इसको लेकर जाते हैं अफगानिस्तान और आयरलैंड एक फाइनल स्टेज की तरफ, जो भी होगा 5वां मैच। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, हम शॉर्ट और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं पूरा डिटेल मैच का किस किस तरह से घटा है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।